नवीन पल्लव आज आप लोगों को हम मूवी टू पार्ट टू चिड़िया की चार बातें कहानी बताएंगे। इस कहानी के बारे में आज आप लोगों को हम बताएंगे चिड़िया की चार बातें। राजा प्रताप सिंह के विशाल महल में एक सुंदर वाटिका थी। राजा प्रताप सिंह के विशाल महल में एक सुंदर बगीचा था, उसमें अंगूरों की बेल लगी थी। उनके बगीचे में बहुत सारे अंगूर जो थे फले हुए थे। वहाँ रोज एक चिड़िया आती और मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती थी, मगर अटपके और खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती थी। राजा के महल में एक चिड़िया आती और मीठे मीठे अंगूर को खा जाती थी, और जो अंगूर पके नहीं होते थे उन्हें वह नीचे गिरा देती थी। मालिक ने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की। मालिक जो था चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वह हाथ नहीं आई, चिड़िया जो है उड़ जाती थी। हताश होकर राजा एक दिन माली ने राजा को यह बात बताई। निराश होकर एक दिन माली ने राजा को यह बात बताई। यह सुनकर राजा प्रताप सिंह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली। राजा की बातों को सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह उसे सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन वे वाटिका में छिप कर बैठ गए। राजा जो थे अपने बगीचे में छिप कर बैठ गए। जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने उसे फुर्ती से पकड़ लिया। फुर्ती मतलब तेजी से उसे पकड़ लिया। जब राजा चिड़िया को मारने लगा तो चिड़िया ने कहा, हे राजन मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की चार महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। राजा ने जब चिड़िया को पकड़ लिया तो चिड़िया ने कहा कि हे राजन मुझे मत मारो, मैं तुझे ज्ञान की चार बातें बताऊंगी। चिड़िया बोली, हे राजा सबसे पहले तो हाथ आए शत्रु को कभी मत छोड़ो। चिड़िया ने कहा कि जो शत्रु हाथ में आ जाए उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात बता, चिड़िया ने कहा, असंभव बात पर भूल कर भी विश्वास मत करो। जो बात असंभव लगे उस पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि बीती बातों पर कभी पश्चाताप मत करो। जो बातें बीत जाती है उसमें कभी भी उसे याद नहीं करनी चाहिए, उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, अब चौथी बात भी जल्दी बता। इस पर चिड़िया बोली, चौथी बात बड़ी रहस्यमयी है, मुझे जरा ढीला छोड़ दो क्योंकि मेरा दम घुट रहा है, कुछ सांस लेकर ही बता सकूंगी। चिड़िया ने ऐसा कहा कि मुझे राजा को छोड़ने के लिए कहा कि मुझे कुछ ढीला कर दीजिए, तब मैं आपको रहस्यमयी बातें बताऊंगी। चिड़िया की बात सुन जैसे ही राजा ने अपना हाथ ढीला किया, चिड़िया उड़कर एक डाल पर बैठ गई और बोली, मेरे पेट में दो हीरे हैं। और रहस्यमयी बात बताई कि मेरे पेट में दो हीरे हैं। यह सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गए। यह बात सुनकर राजा को बहुत ही अफसोस हुआ और वह अफसोस करने लगे। राजा की हालत देख चिड़िया बोली, हे राजा ज्ञान की बात सुनने और समझने से कुछ नहीं होता, लाभ नहीं होता। चिड़िया ने कहा कि ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से कुछ भी लाभ नहीं होता, उस पर अमल करने से होता है। आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं आपकी शत्रु थी फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया। चिड़िया ने कहा कि मैं आपकी शत्रु थी फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने यह असंभव बात कही कि मेरे पेट में दो हीरे हैं, आपने उस पर भी भरोसा कर लिया। आपके हाथ में आए तो आप पछताने लगे। उपदेशों को जीवन में उतारे बिना उस पर उसका कोई मोल नहीं होता। हम जो कहानी सुनते हैं उस पर उसको समझे भी नहीं तो उसके बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। जिस तरह चिड़िया ने मुसीबत से अपने आप को निकाला और संकट के समय उसने समबुद्धि से काम लिया, उसी तरह हम लोग को परेशानी आने पर समझदारी से काम लेना चाहिए, तभी हम लोग मुसीबतों से अपने आप को बचा सकते हैं। इस कहानी का इस कहानी को पढ़ने से यही लाभ मिलता है कि हमें उपदेशों को जीवन में उतारना चाहिए और संकट में भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। उसके बाद पेज नंबर 16, ये कहानी आप लोगों का समाप्त हो गया। पेज नंबर 16, पहले में है शब्दार्थ। पहला शब्दार्थ है वाटिका। वाटिका
का मतलब बगीचा, दूसरा शब्दार्थ है बेल, बेल मतलब लता, तीसरा है हताश, हताश मतलब निराश, चौथा है सबक, सबक मतलब पाठ, पांचवा है पश्चाताप, पश्चाताप मतलब पछतावा, छठा है अमल, अमल मतलब पालन करना, सातवां है शत्रु, शत्रु मतलब दुश्मन, आठवां है काल्पनिक, काल्पनिक मतलब मनगढ़ंत। उसके बाद आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर लिखना है, पहला हो गया शब्दार्थ, इसको भी लिखना है इस डब्लू में, और आप लोगों का सेकेंड में हो गया प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर आप लोग एक बार हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा अपने बुक में। राजा का क्या नाम था, राजा का नाम प्रताप सिंह था, चिड़िया क्या करती थी, चिड़िया मीठे मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती थी, चिड़िया ने जो कौन सी दूसरी बात बताई, चिड़िया ने कहा असंभव बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चिड़िया ने कौन सी असंभव बात कही थी, चिड़िया ने यही असंभव बात कही थी कि मेरे पेट में दो हीरे हैं। उसके बाद आप लोग कौन प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट कराएंगे। प्रश्न के उत्तर, पहला प्रश्न राजा का क्या नाम था, ये पहला प्रश्न का उत्तर है राजा का क्या नाम था, राजा का नाम प्रताप सिंह था। क्वेश्चन नंबर टू, चिड़िया क्या करती थी, चिड़िया मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती थी, ये पहला क्वेश्चन के आंसर राजा का क्या नाम था, राजा का नाम प्रताप सिंह था। ये दूसरा क्वेश्चन, चिड़िया क्या करती थी, चिड़िया मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती थी। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, हम इसको लेस कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री लिखवाएंगे। चिड़िया ने कौन सी दूसरी बात बताई,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, चिड़िया ने कहा असंभव बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। थर्ड का आंसर, चिड़िया ने कहा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है, चिड़िया ने कौन दूसरी बात बताई। इसका आंसर, चिड़िया ने कहा असंभव बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, चिड़िया ने कौन सी असंभव बात कही थी। चिड़िया ने कौन सी असंभव बात कही थी। चिड़िया ने यही असंभव बात कही कि मेरे पेट में दो हीरे हैं। चिड़िया ने यही असंभव बात कही कि क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर है, चिड़िया ने कौन सी असंभव बात कही थी। चिड़िया ने यह असंभव बात कही थी कि मेरे पेट में दो हीरे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये हो गया पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। महल कैसा था, महल विशाल था, विशाल पर पहला और इसके आंसर पर सही का चिन्ह लगाना है। चिड़िया ने कौन सी, चिड़िया ने राजा को कितनी महत्वपूर्ण बात बताई। चिड़िया ने राजा को चार महत्वपूर्ण बात बताई। राजा ने हाथ से छूटकर चिड़िया कहाँ बैठ गई। राजा ने हाथ से छूटकर चिड़िया डाल पर बैठ गई। इसका आंसर है डाल। उसके बाद है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला है सबक, पहला वाक्य है सबक। आप लोग प्रश्न का उत्तर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम बाकी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और कंप्लीट कराएंगे। आज यही समाप्त।